दोस्तों आपको तो पता ही है कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत और ना कोई छोर और ना कोई शुरुआत है, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिराता है। दोस्तों आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेकों लोगों ने फतह भी की है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6638 मीटर है। फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसे तमाम रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश पर्वत को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया। इस वजह से कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वह असफल रहा, लेकिन चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं बल्कि उसके साथ स्पेन भी था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु इस बार भी वे असफल रहे। रूस के पर्वतारोही सागे दृष्टिकोण ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और मेरे मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आते गया मेरा मन हल्का होते गया। दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और वे अचानक से गायब हो गए। हालांकि कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु मिलरेपा ही इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। वही इस पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो केवल वही इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जान निकोलस रोमनो और उसकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में रहने वाले धर्म गुरुओं से मुलाकात की। तब उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक अन्य पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों हम इसे इंतफाक समझे या फिर कोई शक्ति, आखिर जब कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तब अचानक से पर्वत पर बर्फबारी होने लगती है और वह रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते हुए देखा है, जिसमें खासकर नाखून और बालों जिनको एक हफ्तों में बढ़ना चाहिए वह कुछ ही क्षणों में बढ़ जाते हैं। दोस्तों आखिर ये तो कोई इंतफाक नहीं हो सकता, आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर यह भी दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह का प्रकाश आसमान में चमकता हुआ देखा गया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता होगा। इतना ही नहीं यहाँ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही का भी ये मानना है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में लगातार ओम और डमरू के बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की आवाज हो सकती है। चलिए मान भी लेते हैं कि इन सभी के पीछे शायद यह कारण हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों एक बार रूस के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया था कि जब मैं हमारी टीम कैलाश पर्वत के पास पहुंची तो कैलाश पर्वत के भीतर एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी तथा हमारी टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते कि अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है और जब कोई इंसान वहां पहुंचने वाला ही होता है तब अचानक से भयानक बर्फबारी उसका रास्ता रोक देती है। दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि जहां पर देवों के देव महादेव हों वहां क्या साइंस और क्या नासा अपना दम तोड़ देगी। दोस्तों यही सब कैलाश पर्वत के कुछ अनसुने रहस्य थे जो आज की वीडियो में हमने आपको बताए। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।